जल्दी करो। तुम तो पीछे रह गए मोगली। जरा धीरे, तुम लोग बहुत तेज दौड़ रहे हो, इससे धीरे भागना मुश्किल है। ओ देखो पहुंच गए। ए! पेड़ पर चढ़ने में तो मुझे कोई मात नहीं दे सकता। मोगली तुम तेज नहीं दौड़ पाओगे तो सच्चा शिकारी नहीं बन पाओगे, और शिकारी नहीं बन सके तो सच्चा भेड़िया नहीं बन पाओगे। मोगली माँ, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो बघेरा से मिलने का वादा किया था। अरे हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गया। बुद्धू ये बताओ, क्या मोगली पहले से तेज दौड़ रहा है? हाँ, लेकिन उतना नहीं जितना के हम। कड़ी मेहनत से वो अच्छा भेड़िया बन सकता है, बहुत अच्छा। हाँ, उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो। कितना छोटा था वो। कितनी बार कहा है मोगली, पेड़ को कस के पकड़ा करो। लेकिन बघीरा ये संभव नहीं है, मेरे पास तुम्हारे जैसे नाखून नहीं है। बहुत हो गया मोगली, तुम्हारी शिकायतें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। ठीक है, वक्त नहीं तो भाड़ में जाओ, मैं खुद सीख लूंगा। अरे मोगली, मोगली सुनो तो। भालू, लगता है उसे सिखाने में तुम्हें मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है, काश तुम समझ पाते। तो क्यों सिखा रहे हो उसे? मोगली हमारी तरह शिकार करना चाहता है, समझे कुछ? ओ सावधानी से गिर जाओगे। बहुत अच्छे। का? तुम सब कुछ सीखना चाहते हो लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अच्छा हो गया तुम आ गए का। अगली बार चोट भी लग सकती है। मोगली इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैंने पिताजी को वचन दिया था। तुम्हारा मतलब मोती? हाँ, मैं शूरवीर बनूंगा।
मोगली, पर सुनते तो तुम हो नहीं। बघेरा, डांटने से कोई लाभ नहीं, तुम भी जानते हो मोगली, बघेरा तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। फिक्र? और मैं क्यों फिक्र करूं? मैं फिर गलती नहीं करूंगा, मैं चला। अरे मोगली, कहाँ चल दिए? अपना वचन निभाने। मोगली ने वचन दिया था मोती को। वचन दो मोगली, तुम बहादुर बनोगे, अपनी मां की देखभाल करोगे। पिताजी, माँ वो हमें कहीं नहीं मिला, फिर गायब। मैंने उससे 3-4 बार कहा था, आज रात सब मिलेंगे, अगर वो नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। क्या मैं उसे फिर ढूंढने जाऊँ माँ? हाँ, लेकिन शाम को पंचायत शुरू होने से पहले। अब लोग ध्यान से सुनो। अब मुश्किल है। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है, शेर खान जो अब तक शांत था, अब जंगली बंदरों के साथ मिलकर उत्पात मचा रहा है। मैं इस झुंड के हर सदस्य को खबरदार करता हूँ कि वो महानदी के उस पार न जाएं। ओ, मोगली। मोगली, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, माफ कर दो। फिर देर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सभा में समय पर आया करो। वो चांद बहुत सुंदर दिख रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना झील तक घूम आऊं। क्यों नहीं, तुम हमेशा अलग जो रहना चाहते हो। सभा में देर से आकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच्चे भेड़िये नहीं हो। बस करो लीला, बहुत हो चुका। चुप रहो आकड़ू। मैं सच कह रही हूँ, ये कैसा भेड़िया है जो शिकार नहीं कर सकता। मैं एक मनुष्य को अपने झुंड में रखने के खिलाफ हूँ। मैंने सुन लिया लीला, लेकिन हमें मोती से किया वादा नहीं भूलना। मोती होगा एक हीरो, अच्छा होगा हम बीते दिन भूल जाएं। क्या कहा? बस करो, सुनो अकड़ू। लीला ठीक कहती है, मोगली सभा में देर से आया था। मोगली क्षमा मांगो। मुझे क्षमा कर दो। तो क्या इसे माफ कर दिया? नहीं दादाजी, कभी नहीं। मोगली हमारी बिरादरी का तो हो ही नहीं सकता। वो वहां है। अब जाओ। वो ठीक कर रहा है, हवा का रुख देखते हैं। पर उसे अभी बहुत सीखना है। अरे रुक जाओ, अरे कहां भाग रहे हो, अरे वापिस आ जाओ। तुम थी लीला? मैं तो यही थी, तुमने देखा ही नहीं। क्या हो रहा है मोगली? मोती का बेटा और इतना डरपोक, मुझे तो बस हंसी आ रही है। चुप रहो। मैंने सरपंच तुम पर बहुत नाराज होगा। लड़ो मत, अब आएगा मजा। दादाजी। बघेरा, तुम सबको मालूम है कि आपस में लड़ना नियमों के खिलाफ है। लीला की गलती है, उसने हमारा खरगोश पकड़ा। क्या मतलब, तुम्हारा खरगोश? शिकार पर किसी का नाम लिखा होता है क्या? हाँ होता है। बस करो, बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच, बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ, यही वक्त है मोगली के इम्तिहान का, उसको झुंड का सदस्य बनाने का। सहन शक्ति की परीक्षा। कैसी परीक्षा? नहीं, मोगली अभी इसके लिए तैयार नहीं। बघेरा, हिम्मत रखो मोगली और रोना बंद करो। क्या सिर्फ मेरी परीक्षा होगी? नहीं नहीं, केवल तुम्हारे और लीला के बीच एक प्रतियोगिता होगी। मैं और ये? हाँ, तुम्हारे और मोगली के बीच। डरने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें अपने पर विश्वास है। ओह दादाजी। क्या तुम्हें डर लग रहा है लीला? हो तैयार?
हाँ ठीक है। मोगली। हाँ। ठहरो, इस प्रतियोगिता में मैं लीला से मुकाबला करूँगा। मोगली को खुद लड़ना होगा, वो हमेशा अपने भाइयों का सहारा नहीं ले सकता। लेकिन मैं याद है मोगली, तुमने मोती से क्या वादा किया था? हाँ? मोगली, मैं तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। तुम फिर चूक गए। क्या तुम तैयार हो? प्रतियोगिता कल है। हो जाऊंगा। मैं बीच में न बोलता, पर तुम तो तैयार नहीं। चिंता नहीं, मैं कल तक तैयार हो जाऊंगा। तुम्हें 2 खरगोश और 3 पक्षी अकेले ही पकड़ने होंगे, समझे? और ये काम आसान नहीं। मुझे मंजूर है। अब भी समय है मोगली, काम मुश्किल है। हम दोनों में से कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है। मुकाबला कठिन है, लेकिन मोगली जीत गया तो उसे लीला के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ठीक कहा, तब वो मुझे आदमी का बच्चा भी नहीं कह सकेगी। ये हुई ना बात मोगली, तुम हो मोती के असली सपूत। मैं साबित करके ही रहूंगा। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। ये सही नहीं होगा, मुकाबला इसलिए रखा है कि मोगली अपनी बहादुरी साबित कर सके। मालूम है मालूम है। काश मैं मोगली को अपनी गति और ताकत दे सकता, ताकि वो जरूर जीत जाता। तुम दोनों ही तो मेरी ताकत हो। धन्यवाद। मोगली। माँ, कल के लिए आराम कर लो मोगली। माँ, मैं कल्लू और अकड़ू से इतना अलग क्यों? मेरे पंजे उन जैसे क्यों नहीं? बताओ, क्या खरगोश के दांत पहने होते हैं? मालूम है, खरगोश के दांत पहने नहीं होते। और बारहसिंगा के? उसके भी नहीं। जिनके पहने दांत नहीं होते तो क्या उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है? हाँ, बारहसिंगा बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश के लंबे कान होते हैं, दूर तक सुन सकता है। पक्षी फुर हो जाते हैं और थोड़े जानवर अपने बचाव के लिए बदबू छोड़ जाते हैं, है ना माँ? सब जानवरों के पंजे या पहने दांत नहीं होते, सबके अलग अलग गुण होते हैं। क्यों मोगली, तुम्हारे पास ऐसे क्या गुण है जो तुम्हारे काम आ सके, दांत और नाखून के अलावा? दांत और पंजों के अलावा? फिक्र मत करो, एक दिन में कुछ नहीं होता। लीला से हार भी गए तो आसमान न टूट पड़ेगा। आदमी की संतान हो तो क्या, आखिर रहोगे तो मोती की औलाद। इसका मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। ओ मेरी प्यारी माँ। मोगली, लीला, समझ गए ना? सूरज डूबने से पहले बिना किसी मदद के तुम दोनों को 2 खरगोश और 3 पक्षी पकड़ने होंगे। अगर मोगली जीत गया तो वो इस बिरादरी का हो जाएगा। हाँ? तैयार हो? जाओ। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तुम जीत सकते हो मोगली। मोगली, तुम किसी से कम नहीं हो, अपने आप को कमजोर मत समझना। नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मोगली,
मैं ये भी नहीं कर सकता। ये एक खरगोश और, उसके बाद मैं साबित कर दूंगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो देखो, नदी पार एक काला अनूठा खरगोश। पकड़ लिया। ये है काम की चीज। शेर खान, एक अच्छी खबर, लीला हमारे इलाके में घुस आई है। हाँ, हमने अभी उसे नदी पार करते हुए देखा है। उसकी इतनी हिम्मत, बताओ वो अकेली थी या मोगली भी साथ था? मोगली? वो तो नहीं था उसके साथ। कोई बात नहीं, लीला के सहारे हम उस झुंड तक पहुंच सकते हैं। मुझे यकीन है मोगली भी उसके साथ जरूर होगा। क्या हुआ शेर खान? एक पुराना जख्म है जो रह रहकर परेशान करता है। मोती की देन है ये। शेर खान, मोती मुझे वो बच्चा दे दे, अभी क्या भी। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोगली मेरा बेटा है। फिर से कह रहा हूँ, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ना, मैं मोगली के लिए अकेला लड़ूंगा। यहां पर मनुष्य की बुद्धि का कायल रहा हूँ। शाबाश। तू कब से यहाँ हो बगीरा? शुरू से। आ? हाँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी। ओ बगीरा। हाँ, मैं तुम्हारा पीछा करता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम्हें चौकन्ने रहना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ? शेर खान के आने की चेतावनी। शेर खान आ रहा है। सूरज डूब रहा है। हाँ। सरपंच, सरपंच। कौन है? क्या हुआ? क्या बात है? लगता है लीला शेरखान के इलाके में चली गई है। क्या? पर कैसे? तुमने चतुराई से काम लिया, लेकिन आते आते देर कर दी। माँ ठीक ही कहती थी, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ। सुनो, अगर कभी झुंड से बाहर कर दिए जाओ तो मेरे पास आकर रह सकते हो। क्या? मेरा मतलब है, अगर झुंड से निकाले जाओ तभी। ओ बगीरा।
ओ लीला, शेर खान और लीला। अब बच के कहां जाओगे? नहीं बचेगी। एक रास्ता है, देखो निशाना ना चूके। टूट पड़ो लीला। पर वो तैर क्यों नहीं रही है? लगता है बेहोश हो गई है। वो डूब रही है, मुझे बचाना होगा। मुझे पकड़े रहो। मोगली, आखिर बच के जाओगे कहां? मैं हार गया सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मुकाबले में जीत का उतना महत्व नहीं जितना किसी की जिंदगी बचाने का, और अब तुम हमारी बिरादरी के सदस्य बनने के लायक हो। शुक्रिया। धन्यवाद सरपंच। मोगली, अरे मोगली। मत करो, अरे मुझे गुदगुली हो रही है। अरे तुम्हें कोई एतराज है लीला?